अब हम पुनर्विचार करें बच्चों, या जानने का प्रयास करें कि यह ताप जो हमें प्राप्त होता है दहन की क्रिया से जी, और दहन की क्रिया के उपरांत जो गैस बनती है वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। बच्चे पहाड़ से हटकर अगर हम बात करें थोड़ा सा कि प्रति वर्ष किसान खेती करते हैं, धान की उपज करते हैं, गेहूं की उपज करते हैं, विभिन्न प्रकार के फसलों को लगाते हैं, आखिर उसकी क्या आवश्यकता है? और अगर है कि एक बार जो अन्नों की प्राप्ति हमें होती है वह समाप्त हो जाता है तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्रिया करती है। अब जरा सा आप सोचिए बच्चे, आज के 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी बनी, तब से जो है बहुत दिनों तक यह गर्म अवस्था में, जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा हुआ, कहीं खाई हुआ, कहीं पहाड़ हुआ, कुछ वर्षा होने लगी, इस पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थ मौजूद थे जिसके कारण पहले जलीय जीवों का अभ्युदय कोशिकीय जीवों के रूप में हुआ, और तब से ये जीव संघर्षरत रहे, उसमें जो है जटिलताएं आती गई जिसके से जैव विकास हुआ, और आज हम जो है जैव विकास के उच्चतम सीमा पर हैं। तो यहाँ पर हम जानना यह चाहेंगे कि आखिर जो है इसमें यहाँ तक पहुँचने में क्या ऊष्मा की या दहन की क्रिया की भी कोई अहम भूमिका है? बिल्कुल अहम भूमिका है। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, चाहे हवाई जहाज चलाना हो, चाहे रेलगाड़ियाँ चलानी हो, चाहे जो है स्कूटर चलाना हो, घर में भोजन बनाना हो, पानी गर्म करना हो, सारी क्रियाओं का सफल संपादन के लिए दहन का क्रिया का होना आवश्यक है। और यह हम जानते हैं कि दहन क्रिया में प्रायः कार्बन डाइऑक्साइड का निर्मोचन बहुत होता है, या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदलती है कार्बन से संयोग करके। तो एक समय आना चाहिए था कि इस वायुमंडल का पूरा ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना चाहिए था, क्योंकि अब तक जो है हम लोगों ने ऑक्सीजन की खेती जिस प्रकार से अन्य प्रकार की फसलों की खेती हम लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की खेती अलग से नहीं कर पा रहे हैं अभी। चलो ऑक्सीजन की खेती भी होती है सर, होना तो चाहिए न, जब नहीं पूरा होगा तो क्या उसको खेत में लगाया जाता है सर? खेत में किसे लगाया जाएगा? उसके लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा, और प्रयोगशाला में वैसे पदार्थ जिनके मिलाने से, जिनके रासायनिक अभिक्रिया से ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी या ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और रासायनिक संयोग से जो है निकाला जाएगा, बनाया जाएगा और उसे वायुमंडल में छोड़ा जाएगा। सर हमने किताब में पढ़ा है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो क्या पेड़ भी लगाएंगे तो खेती कहलाएगा? सोचना है कि खेती मतलब वह खेती, पेड़ पौधों को लगाकर उसकी संख्या को विकास कर दें, वृद्धि कर दें, तब जो है हमें प्रयोगशाला का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। यस सर। ऐसा हमने इसलिए नहीं रखा कि चूंकि आवश्यकताएं मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं कि कृषि योग एक बहुत बड़ा भूभाग भवनों और मकानों में तब्दील होता जा रहा है, बहुत कहीं प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है तो कहीं आयुध कारखाना का निर्माण हो रहा है, तो इस आधुनिक तकनीक में बहुत बड़ा भूमि जो है रेलगाड़ी के पटरी और रेलगाड़ी के लाइन, चौड़ी चौड़ी सड़कों के निर्माण में ये होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है, और उसके निर्माण में रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे आते हैं सब को काटी डाला जाता है। तो यह विचारणीय प्रश्न है कि वैसे कारक जो वायुमंडल में से ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को देते हैं, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले पेड़ पौधों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है,
और आज इस बात की चर्चा है हर जगह कि ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसको समझते हैं, जरा सा इस पर विचार कीजिए कि आपके पृथ्वी के, इसका हिंदी से वैश्विक तापमान होता है, वैश्विक तापमान है, तो इस वैश्विक तापमान में लगातार जो है जो वृद्धि हो रही है और इस पृथ्वी का जो स्थल बने अभी भी जो हिस्सा है चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है, तो तीन चौथाई जल का हिस्सा है, एक चौथाई स्थल है जिस पर जो है अधिक से अधिक जीव निवास करते हैं। वैसे तो जलों में भी बहुत सारे जीव निवास करते हैं, लेकिन यह जो दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वह जो है बर्फों का बहुत बड़ा भंडार है। ऐसा लग रहा है जो वैश्विक उष्मीकरण की बात कर रहे हैं कि ऐसा न हो कि पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाए कि वह सभी का सभी बर्फ पिघल जाए और तब थोड़ा बहुत जो भी एक चौथाई हिस्सा स्थल का है वह डूब जाएगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उस समय आने के पहले ही हम जो है चेत जाएं। वैसे तो तापमान बढ़ने का कारण क्या हुआ सर, इतना तापमान बढ़ने का कारण क्या हुआ इस पर आप विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड ताप का बहुत बड़ा सोर्स है। यस सर। अब वातावरण में हालांकि अभी बहुत नहीं बढ़ा है, प्रारंभ में यह था 0.02%, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, औद्योगिक विकास हो रहा है, कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ईंधनों के प्रयोग से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है लगातार वातावरण में बढ़ती जा रही है। जितना भी कल कारखाना से निकल रहा है मशीन, चाहे जो भी वाहन के रूप में हो या जिस रूप में भी हो, उसमें ईंधनों का प्रयोग हो रहा है, फिर उस ईंधन से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अब जरा सा कल्पना कीजिए, आप लोहा का कारखाना जमशेदपुर या बोकारो के बारे में आज के 30 साल पहले उसके भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन कीजिए तो आप पाइएगा कि यह वह पठारी क्षेत्र था और इतने घने जंगल थे यहाँ कि 2-4-10 की संख्या में जब झुंड बनाते थे तो उन जंगलों में प्रविष्ट करते थे किसी चीज की प्राप्ति के लिए, कंद फल की खोज के लिए या फिर शिकार करने के लिए, पशुओं का अपने आहार के लिए। लेकिन आज देखिए क्या हुआ, जहां दिन को भी रात हुआ करता था, जंगलों की बिसरपी लताएं जो बिल्कुल पेड़ों पर जो है छितर कर जो है एक छत जैसी रचना बना देती थी, दिन दोपहर को भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता था, बिल्कुल पलट गया। जहां 10 आदमी झुंड बना के घुसते थे उन जंगलों में, आज वहां पॉपुलेशन इतना अधिक हो गया है कि सुबह से शाम तक 10 आदमी रोज मर रहे हैं केवल एक्सीडेंट में। तो कितनी स्थिति में परिवर्तन हुआ, और साथ साथ वो फर्नेस है जो दिन रात धुआं उगल रहा है। कब? बोकारो में सर। बोकारो में। यस सर। और जहां दिन को रात हुआ करता था वहां रात को दिन हो रहा है। दूर से ही रात्रि में बोकारो पहुंचिए तो लगेगा कि हाँ अब लगता है कि यही स्वर्ग है, पहुंच रहे हैं बहुत करीब आगे। लेकिन इस बात को नहीं विचार रहे हैं कि पर्यावरण में, वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में किस तरह का परिवर्तन इससे हो रहा है। जी। तो अभी भी समय है बचा हुआ, अभी भी पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग है जो बिल्कुल पड़ती है बाबू, जिसमें न तो कृषि कार्य किया जाता है न तो जहां कल कारखाना लगा हुआ है। तो अगर इस वैश्विक उष्मीकरण से हमें बचना है, वायुमंडल में जो विभिन्न गैसों का एक निश्चित अनुपात है उसको बनाए रखना है, तो पेड़ पौधों को लगाना होगा, उसकी संख्या को बढ़ानी होगी, ताकि मानवीय कार्यों से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जिससे पृथ्वी के तापमान को बढ़ने का खतरा है, उसे जो है ऑक्सीजन में परिवर्तित कर दे पेड़ पौधा,
और वह वैश्विक उष्मीकरण जैसी नौबत नहीं आने पाए। यस सर।